Hello, good morning students. So today we will discuss magnetic effects of electric current. Magnetic effects of simply current. So here we will discuss about the detailed study of magnetic effects. So actually magnetic field is generated in three ways. Magnetic जो field है that is generated in three ways. So first is by, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से, magnetic field is generated by, या we can say in three ways, in three ways. पहला है आपके पास by current flowing through a conductor, by current flowing through a conductor, through a conductor. दूसरा पॉइंट ले सकते हैं by moving charge particle, या we can say by a moving charge पार्टिकल. और थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं बाय अ टाइम वेरिंग, बाय अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी करेगी. तो वैसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट experiment observed that the compass needle placed below or above the current carrying conductor. Means आपने मान लो ये कोई कंडक्टर ले लिया, that is this is a conductor, ठीक है. तो ऑरिस्टेड observed that the compass needle placed below or above the current carrying conductor suffers a deflection as long as current flowing through the conductor. जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा, चाहे आप कंपास को नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, तो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा. ही कंक्लूडेड दैट द थ्री वी कैन से देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट कैरिंग कनेक्टर अराउंड इट. इसने देखा कि जब इसमें, जैसे मान लो ये बैटरी है, इसमें करंट पास करें तो इसमें क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो ऑरिस्टेड ने उसको फाइंड आउट किया था. सो दिस इज अबाउट ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बाई दिस वे ऑल्सो. जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कॉइल ले ली और इसमें करंट फ्लो कर दिया. सपोज दिस इज़ वन वे की, दिस इज़ अ बैटरी और ये वन वे की है, ठीक है. वन वे मींस कि एक ही रास्ते से करंट फ्लो करेगा. तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. मींस अगर हम इसके पास कंपास लेके जाएं यहाँ पे, तो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है. यहाँ भी कंपास लेके आएंगे तो वो भी डिफ्लेक्ट करेगा. तो इससे ये पता चलेगा कि हम मान लो यहाँ पे नॉर्थ बना तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और यहाँ पे साउथ बने तो नॉर्थ साउथ को, या साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. तो ये था ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. अब बायोट्स जो साइंटिस्ट थे, बायोट साबर्ट उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन किया प्रॉपरली, कि कैसे मीन्स आगे इसको इन्होंने डिस्कस किया. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट इज बायोट साबर्ट लॉ. बायोट साबर्ट लॉ क्या, देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके एप्लीकेशन बेस के ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे. तो क्या कहता है ये कि बायोट साबर्ट लॉ, कि मान लीजिए कोई दिस इज एनी करंट कैरिंग वायर. सपोज करते हैं कि दिस इज फ्रॉम एक्स वाई, ये कोई ऐसी वायर है, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसके लिख सकते हैं. सपोज करिए कि इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो करंट यहाँ से मूव कर रहा है, करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके. एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट. देखिए मान लो मैंने वायर को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, छोटे छोटे एलिमेंट ले लिया. मान लो मैंने छोटा सा एलिमेंट ये डी एल ले लिया, सो इट बिकम्स ए करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट आई डी एल, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये वायर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, हर जगह से ये स्ट्रेट है. जैसे यहाँ से यहाँ छोटा सा पॉइंट लेंगे तो वो स्ट्रेट है,
तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक करंट एलिमेंट बन गया, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एलिमेंट्री लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ करंट या प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एलिमेंट्री लेंथ, एंड द एलिमेंट्री लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ करंट एलिमेंट। इसको हम करंट एलिमेंट बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट। एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसकी हैविंग डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वी कैन से पोजिशन ऑफ द करंट या पोजिशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एलिमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये करंट भी मूव करेगा। तो यहाँ पे साबट ने क्या किया, बायर्ट जो साइंटिस्ट थे डायोड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस करंट एलिमेंट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसने मान लो ये तीन इक्वेशन दे दी, 1, 2 और 3, तो इनको जब कंबाइंड किया तो उन्होंने दे फाउंड दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, और एक और पॉइंट है दैट इज आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द, एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डी वी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इंडिकेटिंग द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स की छोटे से एलिमेंट से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो अब मैं यहां से बताऊंगा आपको कि व्हाट इज म्यू, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो इसको हम मतलब ये वैक्यूम का है, इस टाइम हम वैक्यूम ले रहे हैं, फॉर अदर मीडियम तो परमिबिलिटी क्या होगी, दैट इज म्यू। और बात देखिए आप, एक वैक्यूम में जो म्यू नॉट बाई फोर पाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इनवर्स, और एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज टेस्ला, TESLA, टेस्ला मीन्स टी। तो ये देखिए, अब अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप यही मैं इसी नोट्स में लिख देता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली, जैसे आपने ये चीज़ लिखी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई, ठीक है, आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाई या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इंटू द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी लिखेंगे, अगर हम ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर, तो ये इसको इस फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। व्हेन वी आर टेकिंग एन एंगल थीटा या साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं, देन वी कैन मेक दिस डायग्राम दैट दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट डी एल एंड आर इज द वेक्टर, पोजिशन वेक्टर फ्रॉम डी एल टू पॉइंट वी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो यू कैन टेक एन एंगल थीटा मेड बाई द एलिमेंट एंड द पोजिशन वेक्टर, सो दिस इज इन केस ऑफ एंगल वी कैन राइट दिस डी वी इज डायरेक्टली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो यू कैन ऑल्सो राइट कि ऑन कंबाइनिंग ऑल दीज फोर इक्वेशन वी कैन राइट हियर डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर
square, and on removing this proportionality sign we can add, introduce here constant of proportionality, and the value of this depends upon the medium, okay, on which medium we are placing this doing this experiment. Okay, so k is equal to mu naught by 4 pi. We can add the value mu naught by 4 pi, or on adding this value we can write mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square tesla meter ampere inverse. So this is in the form of angle theta, this diagram. So students, this was about Biot-Savart law and ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो इसमें हम और भी बातें वैसे डिस्कस कर सकते हैं इसमें, कि अगर हम कौन से हैंड का इसमें हमने यूज़ किया. जैसे हमने राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड यूज़ किया इसमें. जैसे करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए कि करंट जो है वो चलो इस यहाँ बता देता हूँ, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हम अपने थंब को ऐसे रखोगे, ऐसे रखेंगे थंब को, और दीज कर्लिंग ऑफ द फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन टू द पेपर ये क्रॉस, यहाँ पे हम क्रॉस का मार्क साइन करेंगे और यहाँ पे डॉट का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में अंदर जा रही हैं और ऐसे करके बाहर आ रही हैं. तो राइट हैंड थंब को हम यूज़ कर सकते हैं, जो अगर यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं. तो ये था आपके पास ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड बायोट-सावर्ट लॉ. तो आगे हम और डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.